निकल रहे हैं तो हम ब्लू एरिया की तरफ। अभी ब्लू एरिया पे हमने क्यों जाना था ये मैं आपको वजह दिखा देती हूँ। हम लोगों ने जाना था बैंक जाना था और बैंक हमारी जर्नी काफी अच्छी गुजर गई और माउंटेन्स ब्लू एरिया की सबसे अच्छी बात है। ब्लू एरिया की खास बात क्या है वो है कि उसकी लाइक हमारा थोड़ा चेंज ऑफ प्लान हो गया मिट्री तो मतलब माउंटेन में प्यारे नजर आते हैं और खूबसूरत गए हुए थे पहले मगर हमने कहा चलो चलते हैं नहीं गए पहले तो उसके बाद हमारा चेंज ऑफ प्लान हो गया क्योंकि हम जा ही रहे थे कि अब वो लंबी थी काफी तो वो थी ट्रेन। अब यहाँ की जो ट्रेन है वो काफी लंबी ट्रेन थी काफी ज्यादा लंबी तो वो ही अबू ने कहा तो हम लोगों ने कहा लेट्स ट्राई इट आउट कि जाना था तो अभी हम रोड पे थे तो अबू तो पहले आए हुए थे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ हम पहले नहीं आए हमने कहा हमें भी ले जाए लेकिन ये ट्रेल काफ़ी लंबी है आई डोंट नो ये छोटी तो होगी नहीं क्योंकि हमारे डैड ने कह दिया था तो ये वो बाहर की जगह थी जहाँ हम रुके थे और इधर से ही आगे ट्रेल आती थी और एक्चुअली मुझे लेके जाना था डिफरेंट कैमरा मगर मैं गलती से ये वाला ले आई जिसकी जिसकी एक्चुअली इसकी ना क्लियर नहीं है। और फिर हमारी जर्नी के बाद हमने ये जगह क्रॉस की तो काफ़ी बड़ा क्या है खैर तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी थी और प्यारा है मतलब साफ़ सुथरा है ब्लू एरिया और हमने बैंक्स क्रॉस किए हैं मेन जो ब्रांचेस होती हैं तो आगे मतलब हमने काफ़ी माउंटेन्स और जगह क्रॉस की थी। सेंटोरस देखा हमने जो ब्लू एरिया का मॉल है फेमस मॉल है तो हमने सेंटोरस क्रॉस किया और रोड्स क्रॉस की और मतलब लाइक वेदर काफ़ी अच्छा था इतनी गर्मी नहीं थी और इतनी ठंड भी नहीं थी इसलिए इट वाज द परफेक्ट टाइम टू गो। और पहले तो हमने कहा नहीं अबू नहीं जाना ही नहीं है हमने लाइक बैंक का कुछ हुआ था तो उसकी वजह से हम बार बार बैंक ही जा रहे थे तो हमने कहा नहीं हमने तो जाना ही नहीं है। उसके बाद हमने ये व्यू कैप्चर किया और जाते ही जाते हमें माउंटेंस नज़र आ गए ये माउंटेंस मतलब मुझे काफ़ी माउंटेंस मतलब अच्छे लगे ऊपर फॉग थी थोड़ी थोड़ी आप देख ही सक रहे हो तो ये वो मेन रोड है जहाँ से हम निकल रहे थे। और अब हम आ जाते हैं ट्रेल वाली साइड पे तो यहाँ पे हम लोगों का चेंज ऑफ प्लान हो गया और फिर हम थोड़ा सा आगे ट्रेल की तरफ चले गए जो फर्दर इन द वीडियो आपको नज़र आने ही वाली है और इस जगह से शायद थोड़ा सा आगे या पीछे गए हम तो हमें ट्रेल मिल गई तो काफ़ी प्यारा नज़ारा हमें नज़र आया माउंटेन्स थे और काफ़ी प्यारे लग रहे थे एंड विंटर में तो और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो अब हम ट्रेल के शुरू का दिखा देती हूँ आपको ये ट्रेल का फर्स्ट पार्ट है जो शुरू शुरू में हो रहा था तो वी वर लाइक ओके प्यार मतलब चलते ही जाओ लेकिन हाँ अगर आपको वॉक करनी हो और आप बहुत ही लेज़ी पर्सन हो तो फिर तो मेरा तो दिल था कि मैं पूरा ट्रेल वॉक करूँ मगर फिर हमारे साथ में छोटी बहन भी थी और उसको मतलब काफ़ी था कि वो चलती नहीं है ज़्यादा सो शी इज़ अ क्वाइट लेज़ी पर्सन तो मैंने कहा मैं तो चलूँगी लेकिन अबू ने कहा फिर किसी दिन आएंगे तो उनके बगैर आएंगे तो मैं और मेरा भाई लाइक मैं और मेरा जो भाई है बहुत एनर्जेटिक लोग हैं हम लोग चल लेते हैं जितना भी हमें चला लो हम चलेंगे तो काफ़ी हद तक मतलब हमारी ट्रेल अच्छी गुजरी फैमिली में कोई ऐसा बंदा होगा और अगर आप भी जाते हो तो तुम चेक आउट चलता ना और वॉक के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये तो बस अबू ने कहा कि अगली दफा आएंगे तो हम जाएंगे और यहाँ छोटी सी जगह थी यहाँ ये हमें मैप ऑफ मागला रिज रोड मतलब मिला था यहाँ ये फिर फर्स्ट नर्सरी आती है काफी मैंने स्टडी किया और फिर पता चला कि ये काफी लंबा है लाइक ये छोटा ट्रेल नहीं है काफी लंबा ट्रेल है यहाँ स्टेशन से भी गुजरता है एक ट्रेल मंगला स्टेशन आई थिंक सो ये काफ़ी लंबा था और फिर हमने एक छोटा सा चेक पॉइंट क्रॉस किया जो मैं अभी आपको लेटर इन द वीडियो दिखाती हूँ ये वाला तो इसको क्रॉस किया और फिर हम आगे गए तो वो जगह थोड़ी सी पत्थरी और रॉकी हो गई थी क्योंकि मुझे काफ़ी डर लगने लग गया था थोड़ा थोड़ा कि कहते हैं कि हाँ जंगल है तो यहाँ जानवर होते हैं तो फिर हम वॉक करते गए एंड आफ्टर ऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ फिर से हम सारों की बातें शुरू हो गई तो हम लोगों ने एक छोटा सा चेक पॉइंट क्रॉस किया और उसके बाद ये मैं आपको जूम करके भी दिखा देती मगर ये मैं मतलब मेरे मैं थोड़ी देर चाहती कि मैं यहाँ रुक जाऊँ और फिर बनाऊँ लेकिन मेरे अबू मतलब इतना तेज जा रहे थे कि अबू कहते हैं आना है कि वहीं रह जाओ तो फिर मुझे चलना ही पड़ा और सॉरी अगर आपको मेरी क्लियर फुटेज नज़र नहीं आई मैंने जैसे कि पिछली पहली बार दिखाया कि हमारा कैमरा जो था इतना सही नहीं था और काफ़ी स्टेप्स थे
हमने कहा कि मैंने तो पहने हुए थे मेरे पैर में काफी दर्द हो रही थी, वरना मैं सचमुच में चलती और पत्थरों पे मतलब चढ़ना और एडवेंचर तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो यहाँ बड़े बड़े पत्थर थे जिनके ऊपर हम चढ़ रहे थे। आपने डॉलर एक्सप्लोरर तो देखी होगी, तो डॉलर एक्सप्लोरर से मैं वो एक्सप्लोर करती जगह और उन पत्थरों पे चढ़ती थी, तो उससे मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगता था, मुझे एडवेंचर का हमेशा से शौक था। तो ऐसे ही पत्थरे थे छोटे छोटे, हम मैंने कहा कि मैं अपने मतलब शूज़ जॉगर्स पहन ली थी, ज़्यादा मज़ा आता। एक्चुअली मैंने जॉगर्स नहीं पहने थे इसलिए मेरे पैर में मतलब काफ़ी दर्द हो रही थी, और अगर मैं दूसरा कैमरा लाना था मगर नज़र नहीं आ रहा, मतलब आपको डेंस फॉरेस्ट नज़र नहीं आ रहा था, क्लियर नहीं है फुटेज, मैंने आपको सच में दिखाती। और ये मेरा भाई है जिसको मतलब हर फैमिली में एक लड़का तो ऐसा होगा, एक लड़का ऐसा होगा जो मतलब सबसे आगे जाता है। बना रही हूँ सबसे आगे की बना रही हूँ। और ये फुटेज मेरी बहन ने कवर की थी क्योंकि बस मैं कैमरा पकड़ पकड़ के थक गई ना इतना कि मतलब हाथों में ही दर्द हो जाता है। तो बस इसीलिए मुझे अपना, मैं दूसरा कैमरा लाई थी मगर उसकी अनफॉर्चुनेटली बैटरी खत्म हो गई, जिस वजह से मुझे वो और मेरा ट्राईपॉड दोनों छोड़ने पड़े, वरना मैं उससे फुटेज बना के कवर करके कंप्यूटर में लेकर जाती। अब जैसे कि मैंने दिखाया यहाँ मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है। एक्चुअली मेरे भाई को ना थक जाता है बस थोड़ी देर बाद, उसके बाद थक जाएगा, वैसे बड़ा बड़ा चलेगा उसके बाद जाके थकेगा, काफ़ी टाइम चलता है। तो ये मेरी बहन ने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया फुटेज, जिसके बाद मैंने फिर उससे लिया और ट्राई किया। ये देखो अब ये मेरे हाथ में था कैमरा और मैंने थोड़ा सा ठीक फुटेज बनाने की कोशिश की जबकि मैंने कैमरा टेढ़ा पकड़ लिया था। तो खैर आई एम सॉरी। तो पीछे मेरे डैड थे, मैं थी, और फिर हम लोगों का हो गया कि आगे जाना है हमने, और कुछ कहता है आधा फैमिली बंदा कहता है कि पीछे जाना है, आधा कहता है हमने तो आगे जाना है। और यहाँ मैंने कुछ फ्लावर्स कैप्चर किए और यहाँ हम लोगों ने पत्थर देखे, लेकिन काफ़ी पुराने पत्थर लग रहे थे तो हमने उठा लिए। और ये मेरी बहन का भी एक मतलब मिला, उसको मिला मतलब का काफ़ी एक्चुअली जैसे पुराने हिस्ट्री जगह पत्थर वैसे। तो मैं आपको डेंस नहीं दिखा सकी, कितना फॉरेस्ट डेंस था और आवाज़ें आ रही थी इतनी अजीब अजीब, और ये छोटी सी नाली सी थी जो जिसमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी। अब देखो आपको कितनी मतलब लग रहा है नाली, और ये आगे भी जाती है, पता नहीं कितना आगे जाती है। हमारे अभी बताया था घर में काफ़ी सारे पत्थर थे, तो और ये थे वो बड़े बड़े पत्थर जिनकी मैं बात कर रही थी, जिन पर हम चढ़े जा रहे हैं। और इसके आस पास बहुत ज़्यादा जंगल ही जंगल था, मतलब काफ़ी जंगल था, मगर इन पत्थरों पे हम चढ़े जा रहे हैं। और हम लोगों ने छलांगें लगाई और फिर अब उन्हें कहा गिर जाओगे, पैर मुड़ जाएगा, लेकिन फिर हम सुन गए, हम लोग रुक गए थे। और फिर हमें बोर्ड नज़र आए थे काफ़ी, और ये अब हम फिर वापस आ गए बिकॉज हमने ज़्यादा आगे नहीं जा सके। खैर अबू ने मैं बोला कि हम अगली दफ़ा आएंगे तो ज़ारा वगैरह को मतलब मेरी बहन को ताकि हम लंबा जाए। तो यहाँ पे हम लोगों को एक पत्थर मिले थे कुछ पुराने शराने, तो मतलब हम लोगों ने उठा लिए। खैर तो यहाँ पे ट्रीज थी जो मतलब हमें शेड दे रही थी, और ये शायद हमारी वापसी का था क्योंकि हम लोगों ने फिर कहा चलो चलते हैं वापस अब, क्योंकि हम लोग मेरी बहन ज़्यादा नहीं चलती है जैसे कि मैंने बता दिया, तो नहीं चलती बिल्कुल भी। तो हम लोग चलते गए। ये फर्स्ट नर्सरी का बोर्ड था जो मैं आते हुए नज़र आया, और मैंने ये भी कैप्चर किया था इन कैमरा। तो काफ़ी मतलब सनलाइट आ रही थी, लाइक ज़्यादा ठंड भी नहीं थी और ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, लेकिन मेरे डैड ने कहा कि फूल मतलब काफ़ी अच्छे थे ट्रीज़ पे, काफ़ी प्यारी थी और मतलब बेंड हो रही थी तो मैं काफ़ी अच्छा शेड भी मिल रहा था, और ज़्यादा धूप भी नहीं थी उस टाइम और ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, लाइक इट वाज़ द परफेक्ट वेदर। ऑटम लीव्स गिरे हुए थे आसपास, और मेरे डैड कहते जल्दी आओ क्योंकि मतलब मैं काफ़ी देर लगा लेती हूँ कभी कभी, तो हम लोग मेरे डैड कहते जल्दी चलो आ जाओ चलते हैं, तो मैं मतलब काफ़ी देर लगा रही थी जो मैं कैप्चर कर रही थी हर चीज़। तो मैं ज़्यादा मतलब ये खैर तो मैं ज़्यादा डीप नहीं दिखा सकी क्योंकि ये वाला जो कैमरा है ना इसमें एक्चुअली मैं ज़्यादा मतलब जूम नहीं होता, तो मतलब अंदर का दिखाती क्योंकि अंदर काफ़ी खौफनाक सा जंगल सा था, मैं अंदर का दिखाती मगर मैं एक्चुअली गलत फ़ोन ले आई थी, इसका फोकस एक्चुअली अच्छा नहीं है। मैंने लाना था सैमसंग गैलेक्सी मगर मैं ले आई ओप्पो, तो ओप्पो का एक्चुअली कैमरा ज़्यादा अच्छा नहीं है, और मतलब ज़्यादा देखो डीप मैं आपको दिखा नहीं सकी, क्लियर नहीं था इतना। और ये मैंने छोटी कुछ क्लिप्स देखे थे तो इन्हीं क्लिप्स को मैंने जोड़ वोड़ के बनाया, और ये हमारी वापसी का रास्ता था जो काफ़ी अच्छा गुजरा। ये थोड़ी सी बात की क्लिप है क्योंकि उसके बाद हम चले गए थे गांव, तो मैंने वहाँ के जो आसपास हम नीचे देख रहे थे तो हम वहाँ से देख रहे थे, यहाँ आसपास छोटे छोटे घर थे, पीछे का साइड है एक्चुअली ये, तो यहाँ से हम बना रहे थे वीडियो।
हाय गाइस एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. ट्रेल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया. तो अगर आपको और वीडियोस ऐसे चाहिए हैं तो डू कमेंट डाउन बिलो, लाइक शेयर एंड स्मैश द लाइक बटन इन द फेस्ट. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, स्टे ऑसम, बाय बाय.